सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया जल्दी से कि कौन सा पासवर्ड हाँ मैंने सर, लिखा था। 2019 सर, 2 साल हो 2019, गया ठीक है, अभी तुमको जल्दी ही, तभी तभी जल्दी ही पता चला, थोड़ा लेट थोड़ा जल्दी, ठीक है, कि एटलीस्ट कि अभी तुमको पता चल गया मुझको करियर इसमें बनाना है। एंड डेफिनेटली अभी देखो यहाँ पर तुम्हारे यहीं पर रही तुम्हारा जूनियर है, वो रहेगा अभिषेक, ठीक है, इसको भी स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, तो हाँ सो सर, इसने फिर क्या किया, बीम में करियर बना लिया और अभी बीम में काम कर रहे। तो करते हैं ऐसे बहुत से लोग, कर सकते हो। तो सर लाइक स्टार्टिंग से करना पड़ेगा लाइक एज अ बीम मॉडल। यस, बीम मॉडल में करना पड़ेगा, पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो बीम में अच्छी कंपनियों के सैलरी पैकेज है ना, वो तुम्हारे पैकेज को मैच करा देंगे, बल्कि अच्छा ज़्यादा ही जा सकते हैं, हाँ, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट है हमारी वी कंस्ट्रक्ट में, उसका सिलेक्शन हुआ जो पुणे की कंपनी है, हाँ उसका सर पैकेज ही 3.6 से स्टार्ट होता है एंड अच्छा सी जस्ट फ्रेशर, तो अब इमेजिन कर लो कि उसका आगे का कैरियर कहाँ तक जा सकता है, हाँ सर ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर थैंक यू ठीक है, ओके जी। अमनदीप आए हुए हैं और क्या बोलते हैं ऋषिकेश भी आए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचे कि चलो सर से बातें करते हैं, चलो मैं भी एक्चुअली बातें, क्योंकि मुझे लगता है सबको ही गुरुकुल के बारे में पता है, और मुझे लगा कि चलो मेरा कैसे सैटरडे था तो आज मेरी भी क्लासेस नहीं होती हैं, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस करेंगे, कुछ नया क्वेश्चन निकल के आएगा, बाकी थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा गुरुकुल के बारे में, नहीं सब लोग बोलेंगे सर बुलाए और कुछ बताया ही नहीं। तो गुरुकुल में क्या होता है, एक्चुअली गुरुकुल का मीन्स है हम एक तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा क्या था गुरुकुल का, गुरुकुल कब स्टार्ट हुआ थोड़ा सा उससे बताता हूँ। गुरुकुल के माध्यम से हमने किसी स्टूडेंट को गाइड किया, और गाइड करने के बाद जैसे जैसे मैं उसको गाइड करता रहा, वो वैसे वैसे ही वो पाथ पर चलता रहा, एंड ही गॉट द वेरी गुड सक्सेस इन देयर कैरियर, बहुत अच्छा उसको सैरियर सक्सेस मिला। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर किसी को सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो कैरियर को बहुत आगे तक लेके जा सकता है, ठीक है, और वो सही जगह पे पहुंच सकता है जहां उसकी कैपेबिलिटी है। तो उस कैपेबिलिटी को निखारने के लिए हमने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, और बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं उसको आप लोग। तो गुरुकुल को मैं मेन काम क्या है, मेन काम ये है मेरा गाइड करने का। दूसरा, हम आपको क्या करते हैं, डेली टास्क देते हैं, डेली सबमिट करवाते हैं, और ये बहुत टफ है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे एक जिम ट्रेनर है जो बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, ठीक है, आप डेली करके आते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है हम डेली सॉल्व करते हैं, प्लस 4 महीने कंटिन्यू हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी दिन रैबिट फैमिली पढ़ा के, किसी दिन देर आर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इन दैट, ठीक है, नैवी स्वर कभी पढ़ा के, कभी टेक्ला स्ट्रक्चर्स पढ़ा के, कभी 3D डिटेलिंग्स, कभी LODs के बारे में पढ़ा के, देर आर सम सीट्स जो जो टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको मैं रिवील भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट गुरुकुल में ही पढ़ाता हूँ, तो वो सारे टॉपिक्स मैं डेली पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपके असाइनमेंट्स चेक करता हूँ, प्लस सबसे बड़ी बात, उसके बाद आपके साथ जो भी आपके डाउट्स हैं सब सॉल्व करता हूँ। आपको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कंपनी में कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये सब 4 महीने एक तरीके से आप मेरे मेंटरशिप में रहते हो, और अभी तक तो यही रहा कि 4 महीने अगर सही से आप रहे हो तो आपका कैरियर बन जाता है, ये फिक्स है। चलो अभी क्वेश्चंस ले लेके फिर पहले डिस्कस करेंगे, फिर भी अगर गुरुकुल बारे में किसी को नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल शर्माना मत, ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों से बात करने आया हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, तो आपको जितना क्वेश्चन पूछना हो रिलैक्स होके पूछो, ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम भी सिविल इंजीनियर, मैं भी सिविल इंजीनियर, बस नेविश्वर के बारे में सर थोड़ा सा बता देंगे, बिल्कुल भाई क्यों नहीं बता देंगे। नेविश्वर का काम होता है 4D और 3D करने का, ठीक है, समय के अनुसार एक एनिमेशन करने का, और सबसे मेन जो इंडस्ट्री यूज करती है नेविश्वर, उसको यूज करती है क्लैशिंग के लिए। क्लैशिंग क्या होती है, क्लैशिंग का मतलब होता है कि सपोज आपका ये क्या बोलते हैं एक स्लैब है, ठीक है, दिख भले ना रहा हो, मान लो ये स्लैब है, इस स्लैब में यहाँ से बीम आ रही है, ये बीम कहीं टकरा ना जाए, ठीक है, अगर टकरा गए तो गड़बड़ हो गया ना, इसको यहाँ से जाना चाहिए ना, ठीक है, तो ये क्लैशिंग्स है, ठीक है, ये मान लो ये फायर फाइटिंग की पाइप है, ठीक है, मान लो ये फायर फाइटिंग की पाइप है, ठीक है, और ये रेड कलर से जा रही है, अगर ये फायर फाइटिंग गलती से हमने इसका लेआउट कर दिया ऐसे कि ये बीम के अंदर से जा रही है तो गड़बड़ है ना, क्यों ना हम इसको ऐसे करें लेआउट कि नीचे से चली जाए आराम से, ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से लेआउट है। तो इसके लिए क्लैशिंग चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट में एक दूसरे से कोई, जैसे वो जब भी कई जगहों पर देखा होगा आप लोगों ने अपार्टमेंट वगैरह में खासतौर से ऐसा देखने को मिलता है, पाइपें गई हुई है MEP की जिनकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, अब सही से जिसकी हाइट है सपोज अभी हम लोग की हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच 11 इंच है, तो सिर पर टकराता है वो, तो टकरा रहा है तो क्या हो रहा है एक तरीके से वहां पर क्लैशिंग हो रही है, तो उस क्लैशिंग को सेव करने के लिए नेविश्वर को यूज करते हैं, ठीक है, ये मेन काम है। इसके अलावा शेड्यूलिंग्स भी कर सकते हो उसमें, एनिमेशन भी कर सकते हो, ये तो मतलब 4D और 5D का पूरा काम उसके अंदर हैंडल कर सकते हो,
ठीक है, चलिए। और क्या बोलते हैं, जिसके भी कोई डाउट है ना, आप वहाँ पर एक थंब करके बना हुआ है, रिलैक्स होके 5 6 10 जितने क्वेश्चन पूछना हो पूछो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छे अच्छे सर। पीवी और प्रीकास्ट के बारे में भी कुछ बताइए, बीम इंडस्ट्री में एंड बी आई ओ से। तुम 3 4 क्वेश्चन एक ही साथ घुमा दिए हो सर। पीवी और प्रीकास्ट के बारे में कुछ बताएं, एंड बीम इंडस्ट्री एंड बीम कैरियर। ओके, 4 क्वेश्चन तुम पूछे हो, एक एक करके बताता हूँ। पहला तुमने पूछा हो पीवी के बारे में, तो देखो पीवी क्या है ना, पीवी अभी जो कन्वेंशनल स्टील का प्रोजेक्ट चलते थे पहले, कन्वेंशनल मतलब आई सेक्शन, ISMB वगैरह यूज करके, और जे सेक्शन या क्या बोलते हैं, अलग अलग यूज करके सब बनाते थे प्रोजेक्ट, उन सबको पीवी पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे रहा है मार्केट को। तो क्यों? क्योंकि पीवी में सेविंग्स होती है मटेरियल की, स्पैन बहुत लॉन्गर लॉन्गर लेके जा सकते हो। तो नो डाउट यार, पीवी का तो मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत फ्यूचर है इसका। पीवी अभी सही बताऊँ ना, तो अभी इंडिया में पूरी तरीके से अप्लाई ही नहीं पाया, जो इतना ज़्यादा है। तो पीवी में तो कोई वही नहीं है। रही बात प्रीकास्ट की, ठीक है, तो प्रीकास्ट ये समझ लो कि अपनी जो कंट्री है ना, ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, ये डेवलप कंट्री नहीं है। अगर डेवलप कंट्री होता ना, तो आज के टाइम पे यहाँ पर RCC और प्रीकास्ट जो आपके दोनों है ना, इनका रेशियो बराबर होता लगभग। तो डेवलपिंग कंट्री है इसलिए धीरे धीरे डेवलप हो रही है, नो डाउट मार्केट काफ़ी तेजी से पकड़ रहा है, और मेट्रो सिटीज़ में तो पकड़ चुका है, आउट एरियाज में अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा। तो प्रीकास्ट भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर आज से 5 साल बाद बहुत ब्राइट है। फॉर नाउ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जॉब पाने वर्क के लिए तो पर्याप्त है, ठीक है, और PEB तो तुरंत ही पा सकते हो। अब रही बात बीम की, बात करते हैं जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, और बीम का कैरियर चौथा भी मिक्स कर देते हैं इसमें। तो बीम में कैरियर क्यों ज़्यादा है उसका रीज़न समझो। बीम में कैरियर ज़्यादा होने का मेन रीज़न ये है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो डोमेन है ना, जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, अभी मैं पीछे में कुछ प्रोजेक्ट्स देखने गया था, VJ सिरके करके बिल्डर हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बिल्डर हैं, उनके यहाँ देखने गया था। अभी उनका प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है, पता है कब है पोजीशन है? 2026 में। कब है? 2026 में पोजीशन है। पर उन्होंने ऐसे ऐसे बीम के मॉडल्स बना रखे हैं ना, कि सिर्फ उन मॉडल्स को देखने के बाद ऐसा रियलाइज हो जाता है कि अगर आप अपना ऑफिस खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आप अपना 2 BHK फ्लैट बुक करोगे कुछ ऐसा होगा। तो उससे क्या हो रहा है ना, बिल्डर्स को बड़ा फायदा हो रहा है, बुकिंग्स अमाउंट फास्ट 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 मिलता चला जा रहा है, ठीक है, बुकिंग अमाउंट फास्ट फास्ट मिलता क्यों चला जा रहा है? क्योंकि सबको पता है यार, ऐसे बन के दिखने वाला है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा बालकनी होगा और ये, ठीक है। और बिल्डर लोग थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं, क्या करते हैं, जैसे पोजिशन 2026 में है तो अभी फ्लैट थोड़े सस्ते कर देते हैं जिससे बुकिंग बढ़ जाए, और जब बुकिंग बढ़ गई उसके बाद फ्लैट जब थोड़े से बचते हैं तो प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो सबको पता है कि यार प्राइस कम और इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छा अगर ये बी मॉडल नहीं होता उस बिल्डर के पास तो बिलीव करो इतनी बुकिंग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मुझे लगे यार 2026 में पता नहीं कैसा घर बना के देगा ये सामने वाला, ऐसा करते हैं 2026 में बनने देते हैं फिर खरीदेंगे, ऐसे पहले बहुत होता था। तो बिल्डर लोग 1-1 2-2% पर बुकिंग अमाउंट लेके रजिस्टर कर देते थे, आज के टाइम में हर एक बिल्डर मिनिमम 10% तो ले ही रहा है, और 1-2 स्कीम लगा देता है कि 1 टाइम पे करने पर इतना डिस्काउंट, ऐसे वैसे तो बहुत ढेर सारे उनके पास रहते हैं, तो ढेर सारा इनकम हो जा रहा है। तो बीम इंडस्ट्री जब बिल्डर को फायदा करने लगी, तो ये समझ जाओ अभी भी इंडिया में 75% जो बीम के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो बाहर के हो रहे हैं। और एक और बहुत मज़ेदार डाटा तुमको दे दूँ, बीम अभी भी इंडिया में केवल और केवल 55 से 60% जगहों पे अप्लाई हुआ है, अभी भी 45% जगहों पे बीम है ही नहीं इंडिया में। तो समझो कि 45% नई ओपनिंग्स आने वाली है फिक्स है, ठीक है, और ये 45% मतलब नंबर तो बहुत छोटे लग रहे हैं, पर ये लाखों में है जो ओपनिंग्स अभी भरने वाली है। तो बीम ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कैरियर बहुत ब्राइट है, और इंडिया में ब्राइट क्यों है उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बाहर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और तो बाहर के लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं, बाहर के लोग वहां पर प्रोजेक्ट्स लेके इंडिया में ट्रांसफर कर दे रहे हैं प्रोजेक्ट, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यही हो रहा है। यार बंद हो गया क्या ये? नहीं बंद होने वाला, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, बाहर जैसे सपोज मैं US में रह रहा हूँ, ठीक है, और अमनदीप है जो इंडिया में रह रहे हैं, मैंने क्या किया US में प्रोजेक्ट्स लिया, US में मैन पावर मांगा है, ठीक है, मैंने अमनदीप से कॉन्सेप्ट किया कि अमनदीप आप इंडिया में करवा के ये दो मुझे प्रोजेक्ट, कोई हेल्प चाहिए मैं तो आपके साथ हूँ। अमनदीप ने इकट्ठे किए सबको और टीम बनाया, यहाँ पर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट। तो आज भी 75% बीम के प्रोजेक्ट ऐसे ही हो रहे हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि आपके इंडियन करेंसी का जो पैसा मिल रहा है और जो फॉरेन मिल रहा है उसके अंतर कितना ज़्यादा है। इसलिए ये मार्केट अभी भी बहुत चलने वाला है और आगे भी चलेगा। और बाहर इसी लोग बहुत ज़्यादा क्यों यूज कर रहे हैं बीम को, ये भी रीज़न समझो, क्योंकि बाहर ऑलरेडी, पहले तो मैंने बोला डेवलप कंट्री,
तो दे नो कि ये मुझे एग्जैक्टली कैसा चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटीज चाहिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी कई भी सर प्रोजेक्ट होते थे, एलिवेशन बन गया पूरे बिल्डिंग का, बाद में पता चल रहा है लुक ही नहीं अच्छा आ रहा है। आज क्या है, पहले सबको बीम हाई हो पसंद हो पता होगा तब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बीम का मतलब होता है, आसान भाषा में बताता हूँ, जो कुछ आप एज अ साइट इंजीनियर आप अपने साइट पर करवाओगे, ठीक है, ये आज से स्टार्ट करके 5 साल तक, मतलब जिस दिन पजेशन दोगे उस दिन तक जो जो काम आप कराओगे वो सारा काम मैं अपने लैपटॉप पे कर लूँ, ठीक है, मतलब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करके चेक कर लूँ क्या वो सारा काम सही रहेगा क्या। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं BIM, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो काम ऑन साइट हम लोग करते हैं करके देखें कि कैसा लगेगा, उससे बेहतर है लैपटॉप पे करके देखते हैं कैसा लगेगा, कुछ गड़बड़ होगा डिलीट करेंगे फिर से बना देंगे, कोई खर्चा नहीं है। और वहां पर करके देखोगे ना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो बीम से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होती है। कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं खुद भी देखता हूँ कि स्विमिंग पूल बना दिया है, ठीक है, और स्विमिंग पूल बनाने के बाद डिसाइड किया कि पॉपुलेशन कितनी रहेगी, ठीक है, मतलब कितने लोगों के लिए फ्लैट बनाएंगे, बाद में पता चला उन लोगों के अकॉर्डिंग वो स्विमिंग पूल बहुत छोटा हो गया, ठीक है। ग्राउंड आपने डिसाइड कर लिया कि इतने एरिया में मैं ग्राउंड बनाऊंगा प्ले ग्राउंड, बाद में पता चला यार ये ग्राउंड बहुत छोटा पड़ गया या फिर बहुत बड़ा है, इतने लोग ही नहीं है। ये सारा कुछ आप BIM के अंदर करके देख सकते हो। लुक अच्छा नहीं आ रहा है यार, और अच्छा कर सकते थे, यहाँ पर ग्लास लगा सकते, तरह तरह की चीज़ें होती है, तो सब कुछ लैपटॉप पे करके देख लो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी को बोलते हैं BIM। अभी कुछ लोग के मन में क्वेश्चंस होंगे, हो आपके क्वेश्चंस बड़े हेल्प करेंगे दूसरों से, ठीक है। मोहित पांडे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इसके बाद श्रेया कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी मोहित बोलो, हेलो मोहित सर, बोलो। हाँ मोहित बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहता है कि सर अभी टेक मैनेजमेंट और BI दोनों ट्रेंड में है, मतलब दोनों में इसको बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा पहला तो कौन सा सर बोला? प्रोजेक्ट अगर हम BIM कर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और BIM। जैसे BIM, हाँ तो सर करेक्ट जैसे अगर हम BIM की तरफ अपना करियर ले जाते हैं तो वहां करेक्ट पे सर हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो सर क्या होगा? जैसे BIM मॉडलर, BIM बताता हूँ, इंजीनियर और BIM BIM में मैनेजर, चार और मुख्य सर प्रोफाइल है। मतलब बोलो बोलो, कंटिन्यू करो, तुम उसके बाद में कुछ रिप्लाई देता हूँ। बोलो बोलो आराम से मोहित, कंटिन्यू। बेसिकली अभी मैं जेबी ग्रीन्स नोएडा में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ, मतलब प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग का काम है। तो वहाँ पे सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना करियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ ले जाऊँ या BIM की तरफ ले जाऊँ, तो ठीक है, ये थोड़ा क्लियर, क्योंकि सर मैंने BIM के लिए भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी रिसर्च किया, तो वो सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि किस साइड कैसे लेके जाएँ, देखो ये डिपेंड करेगा ना कंफ्यूज हूँ चॉइस सर पे, थोड़ा। ये डिपेंड करेगा चॉइस पे, ठीक है। अब चॉइस तुम कैसे चूज कर सकते हो, ये देखो, पहला चॉइस क्या हो सकता है कि देखो BIM का पूरा मैक्सिमम जो काम है वो कैसे है, ज्यादातर जो काम है वो ऑफिस के अंदर बैठ के है, ठीक है, ऑफिशियल जॉब ही होती है BIM के अंदर मैक्सिमम, मतलब 95 या 99 बोल सकते हो परसेंट। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मोर इनटू कि ऑफिस जॉब है, कि एक 9 to 6 हमारे पास फिक्स जॉब होनी चाहिए, बाहर की प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कल को मुझे बाहर भी एक्सपोजर मिले कि मैं फॉरेन में जाके आऊँ, या हो सकता है मैं फॉरेन में शिफ्ट हूँ, कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव तुम्हारा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए BIM कहीं ज़्यादा अच्छा है मोहित। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कनेक्ट रहना पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुराई नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवन अच्छा प्रोफाइल है वो भी, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मोर इनटू तुम्हें हैंडलिंग वर्क में ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हैंडलिंग ऑन जो तुम्हारे साइट इंजीनियर्स हैं उनको हैंडल करोगे, ठीक है, तो ये सारे सारे काम तुम्हारे ज़्यादा रहेंगे। अगर वो तुम्हें पसंद है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा है। और जैसे मेरी एक्सपर्टीज जो है वो किस चीज़ में है, मेरे को ऐसा लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, तो देखो जैसे तुम उसमें प्रोफाइल्स होती हैं साइट इंजीनियर एंड एवरीथिंग, ऐसे ही इसमें प्रोफाइल्स होती हैं, सबसे पहली प्रोफाइल होती है BIM मॉडुलर की, ठीक है, कुछ कंपनी में एक और प्रोफाइल होती है BIM ड्राफ्टमैन की, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक प्रोफाइल है। नेक्स्ट लेवल की प्रोफाइल BIM मॉडुलर की होती है, मॉडुलर में भी BIM स्ट्रक्चरल मॉडुलर नेक्स्ट प्रोफाइल होती है, और उसके बाद BIM कोऑर्डिनेटर होता है। कौन होता है? BIM कोऑर्डिनेटर। और BIM कोऑर्डिनेटर के बाद होता है BIM इंजीनियर, और BIM इंजीनियर के बाद होता है आपका BIM मैनेजर, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लीड करने वाला प्रोजेक्ट हेड हो जाता है।
इस तरह की इसकी सीरीज है। इसमें अगर आप क्या बोलते हैं, मैं उसे गुरुकुल में बताता हूँ सबको कि अगर तुम बीआईएम मैनेजर की प्रोफाइल पे जाते हो तो अगर इंडिया में हो तो इंडिया के मैं बताता हूँ 20 लाख का पैकेज तो कहीं नहीं गया हुआ है, आराम से आप अचीव कर सकते हो। और फॉरेन में जा रहे हो तो क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो पैकेज है वो है कौन सी कंट्री में था, वहाँ पर 1 CR के आसपास का पैकेज है, ठीक है। तो अगर तुमको पैकेज अच्छा लेना है और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है मैक्सिमम, तो बीआईएम पे जाओ। अगर तुमको चीज़ों को मैनेज करने में अच्छा मज़ा आता है, ठीक है, तुमको लगता है नहीं सर मुझे इन लोगों को लीड करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर में जाओ भी, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। मोहित कुछ क्लियर हुआ कि अभी कंफ्यूजन में हो अभी भी? थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, अभी काफी हो गई क्योंकि आपने जो बताया कि और एमईपी का जो फायर फाइटिंग का पाइप होता है वो साथ में आ रहा है। एक्चुअली सेम केस हमारे वाले प्रोजेक्ट में भी हुआ था, वो बीम भगते भगते काफी ज्यादा एक साइड से भग गई थी और शाफ्ट छोटा हो गया था, तो जितनी भी हमारी पीपीआर की पाइप जानी थी और फायर फाइटिंग की पाइप जानी थी सारी वहां पर रुक गई थी। तो करेक्ट। अब वो अगर पहले से भी बीआईएम तो मॉडल काफी बना, सर हेल्प कर रहा है इन सारी चीजों में। करेक्ट, ठीक है। और इसका मार्केट बहुत बढ़ने वाला है मोहित, मतलब इसका दूसरा बीआई का, प्रोजेक्ट बोलो बोलो बोलो, अभी इंडिया के अंदर केवल और केवल सर वो बीआईएम वही को है कि इम्प्लीमेंट बस बहुत कम किया है, इम्प्लीमेंट बीआईएम बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है मोहित। बोलो आगे बोलो, तुम इसको लग रहा है लेट में हाँ आवाज सर जा रही कुछ है। भी मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसा सर कि भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर मेरे को साइड पे पड़ जब तक आपकी टास्किंग होती नहीं है, 3 बजे टास्किंग चल रही है सर मेरे को 3 बजे तक मैं साइड रुका हूँ आपकी, कभी ऐसा हो रहा है कि उसे भी खाना नहीं मिला आपको उस पे रहना है क्या, तो लंच उन छोड़ के सब जाओ तो सर करेक्ट। देखो मैं थोड़ा सा ये तो बोल रहा है क्योंकि और मेरे फादर साहब गांव बलिया जिला में रहते हैं ओके तो वही है सर कि मैं स्टेबल होना चाह रहा हूँ थोड़ा, तो यही सोच रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज्यादा स्टेबल हूँ या बीआईएम की तरफ ज्यादा स्टेबल हूँ, तो मैंने अभी यही देखा है कि बीआईएम ज्यादा स्टेबल है और आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ लॉकडाउन के टाइम से, बट सर वो मेरी हमेशा टाइम की इशू हो जाती है, कभी आप मॉर्निंग में आ जाते हो कभी आप इवनिंग में आ जाते हो, मेरी साइट ऐसी है कभी 3 बजे तक चलती है कभी 10 बजे तक चलती है, सुबह मेरे को 9 बजे पहुंचना पड़ता है पंच करने के लिए। ओके नहीं, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, मतलब कैसे होता है, मेरा खुद का काम रहता है तो मुझे कब टाइम मिलता है मुझे खुद नहीं पता रहता है। और मैं भी लेकिन मेरा कैसे है कि मुझे बीआईएम पर्सनली क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जीनी थी, ठीक है, डेफिनेटली पैसा तो कमाना है सबको, तुमको कमाना है मुझे भी कमाना था, पर मुझे उसके साथ एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ भी जीनी थी। फॉर दैट रीज़न मुझे बीआईएम ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने बीआईएम में अपने, मैंने साइट इंजीनियर के तौर पर भी काम किया बट बहुत कम टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात ना कि तुम्हें मज़ा आना चाहिए, अभी श्रेया ने वही क्वेश्चन पूछा था, सीजन राइट नाउ स्ट्रक्चर इंजीनियर, बट वो चेंज क्यों करना चाह रही है, बिकॉज सी इज नॉट गेटिंग द जॉय, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है एक टाइम के बाद, जब आपको लगता है कि यार पैसा तो हो गया, अभी कुछ लाइफ भी जीनी है, ठीक है। चलो अभी मैं श्रेया का क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी और किसी क्वेश्चन रहेगा तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। श्रेया आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, हाँ सर, लाइक बोलो, जॉब के साथ साथ ये बैच कैसे लाइक मैं हैंडल करूँ, वो ठीक एक है। जॉब का टाइमिंग क्या है तुम्हारा? 9 to 7 हो जाता है सर। ओके, ये इवनिंग में 8:30 से 10 है, हाँ सर, ठीक है, तो कोई हैटिक ही नहीं है पहली बात, ठीक है। हाँ सर, 8:30 से 10 आराम से तुम इसको ट्रेनिंग करो और उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें एक्चुअली 5 घंटे लगते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा ये कह सकती हूँ कि खास तौर से स्टार्टिंग का 2.5 महीना थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऑटोकैड वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम कम आएगी कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग वगैरह तो हो गई होगी, तो फटाफट असाइनमेंट्स हो जाएंगे ना, हाँ सर, तो इसलिए इसमें एक्चुअली 5 घंटे डेली देना पड़ता है। और हम बोलते हैं कि अगर 5 घंटा आपके पास नहीं है तो आप मत करिए ट्रेनिंग्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हो और हमें भी रिजल्ट नहीं मिला तो हमें भी दुख होता है कि यार रिजल्ट नहीं मिला, है ना। हाँ सर, तो इसलिए 5 आवर्स, बट तुम 5 आवर्स दे सकती हो आई थिंक, क्योंकि तुम्हारा 7 बजे से, मतलब हम मानते चलते तुम 8 बजे आ गए, है ना, तो 8 बजे आ यस गए सर, तो तुम आराम से 3 से 4 घंटे इवनिंग में दे दिया, 1-1.5 घंटे मॉर्निंग में दे दिया, खत्म। और जो बचा खुचा है सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कवर हो गया, हाँ सर, ठीक है, तो यू कैन डू दैट, डोंट वरी, ओके चलेगा। और किसी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए। अमनदीप कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, देखो कुछ आपको ना बोलना चाहिए, ठीक है, इससे ना कॉन्फिडेंस भी आप पर रेज होता है कि हाँ यार मैंने सबके बीच में अपनी चीजों को रखा, ठीक है, और ये चीज आपको
इंटरव्यूज वगैरह में काफी हेल्प करेगा, ठीक है? तो यू कैन बी लाइक, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ कर सकते हो। हाँ हुसैन, कुछ बोलना चाह रहे हो बोलो, ठीक है? और हेलो कुछ सर, संबित कुछ बोलना चाह रहे? हाँ संबित, जस्ट जो इसके बाद। हाँ हुसैन बोलो मैम। सर आप ही कह रहे हैं कि अभी अभी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, अभी बीम में आ रहे हैं। तो तुमको कौन बोला इसको आने के लिए? ठीक है, ऐसे तो नहीं कंफ्यूजन हो सर जाता है। वैसे नहीं सर, सर पूछना ये था कि आप बीम 70 तक पढ़ाती ला 80 तक, मतलब उसमें सर वो फिर वो सेवेंटी एट्टी सेफ्टी में और कुछ होता नहीं मैनेजमेंट। है ना। हाँ उसमें कुछ पढ़ने की चीज़ ही नहीं है ना, वो तो मैनेजिंग पोजीशन हो गया ना, वहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बीएमएस होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो बीएमएस क्या होता है? बीएमएस मतलब होता है कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। तो उसको पढ़ के भी हमको अभी कोई फायदा नहीं है। बीएमएस के अंदर क्या है, कैमरा को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है? जो फायर के इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे मैनेज कर, अभी उसको तुम क्या करोगे? तो अभी स्टार्टिंग प्रोफाइल ये होती ही नहीं है। स्टार्टिंग प्रोफाइल केवल केवल हम लोग 5D तक काम करते हैं, उसके आगे की सारी प्रोफाइल जो है वो मैनेजिंग लेवल पे चली जाती है कि कैमरा का जो स्टोरेज है वो इतने GB का है, तो ऑफिस के अंदर आने के बाद कहाँ पर इतना GB स्टोर करेंगे, कितने महीने का कैमरे की डाटा रखना है, सब हम करके भी कोई फायदा नहीं होता अभी के तौर पे। ये आगे की चीज़ें हैं कि स्मार्ट बिल्डिंग कैसे बनाते हैं। फिर भी मैं सबको इंट्रोड्यूस जरूर करता हूँ कि देखो ये चीज़ें होती हैं। पंचिंग करोगे ऑफिस के अंदर, तो पंचिंग करोगे तो कितने लोग पंचिंग कर रहे हैं, तो किस ऑटोमेशन से, AI उसमें होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि भाई गेट खुल गया और ऑटोमेटिक आप अंदर चले गए, दैट एवरीथिंग आई जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट दैट। पर वो आपके जॉब के लिए हेल्प नहीं करता है, जॉब केवल 5D तक लगती है। एज ए फ्रेशर खास तौर से तो केवल 2D तक लगती है, थ्री सॉरी 4D तक लगती है केवल। मोहित कुछ बोलना चाह रहे हो? सर और एक और पूछना हाँ बोलो था बोलो। हाँ उसे बोलो बोलो। सर, ये था कि गुरुकुल का जो मतलब ड्यूरेशन है कोर्स का वो कितना है? 4 month, 4 month इसका ड्यूरेशन होता है, और क्या बोलते हैं, 4 month ही पूरी ट्रेनिंग्स हो जाती है उधर, ठीक है? हमारे लिए एक्चुअली ड्यूरेशन मतलब कोई हम इस तरीके से नहीं होते कि 4 month मतलब ये डेडलाइन है, ठीक है? हमारे लिए मेन होता है सबका सिलेक्शन, सबका सेटिस्फेक्शन, ठीक है? अगर सभी हैप्पी हो गए, सबका काम सही से हो गया, सिलेबस पूरा हो गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट इन टू द मार्केटिंग पर्सन, मैं कोई मार्केटिंग वाला तो हूँ नहीं, ठीक है? मैं हार्डकोर पैशनेट हूँ अबाउट द टीचिंग्स, तो इसलिए हमारे लिए सेम हमेशा ये चीज़ सेकेंडरी रहा है कि हम क्या बोलते हैं कितने बजे आओ, दैट इज डजंट मैटर एक्चुअली। तो 4 महीने का, 4.5 महीने लग गया, कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है? आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, मैंने एक्स्ट्रा सीखा, तो हम दोनों के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है? चलो अभी संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं? संबित बिल्कुल आप पूछिए, इसके बाद मोहित पूछेंगे। संबित कुमार नायक, नायक जी कहाँ से बोल रहे हो? हेलो सर, ऑडिबल हाँ जी सर, यस यू आर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके। अभी 2021 बीटेक पास आउट हूँ, तो अभी मैं लगभग 8 मंथ्स वेस्ट बंगाल में काम किया हूँ एज ए क्यूसी इंजीनियर। ओके अभी उड़ीसा में ही काम कर रहा हूँ, ओके लेकिन अभी कोई ऐसे स्टैंडर्ड कंपनी में नौकरी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जहाँ पे लर्निंग का अच्छा मौका मिले। क्यूसी में भी अच्छा करियर ऑप्शन है। मैं जहाँ पे काम किया था वो क्लाइंट भी जो लोग क्यूसी में थे, जो मैनेजर थे, उनका सैलरी 1 लाख प्लस भी था, लेकिन अभी मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे ये ग्रोथ कर पाऊंगा मैं, ओके मतलब कोई अच्छे कंपनी नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें क्या लगता तो है कि कितने प्रोफाइल्स हैं मार्केट में जिसपे हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, एज ए स्टूडेंट अपना व्यू रखो। कितने प्रोफाइल मतलब सिविल में हाँ सिविल के अंदर जैसे डिजाइन में हो गया, एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल, अभी तो बीम में अभी तो एक न्यू फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है अभी, और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारा डोमेन होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, बिल्डिंग एक डोमेन हो जाता है, क्वालिटी एक डोमेन हो जाता है, ऐसे ही। बिल्कुल। देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अमित, तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा टॉप सिविल की जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है? तो जो सिविल की कंपनीज हैं, ठीक है, हमारे पास लिस्ट है, तुम्हें चाहिए होगा तो ले लेना, ठीक है? हम देते हैं सबको सर्च, जॉब सर्च करने के लिए। तो टॉप सिविल की कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, और उनके यहाँ पर कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज होता है। देखो ये फिक्स मान लो कि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है, तो तुमको पता ही होगा, ठीक है? फ्यूचर में अभी मैं बता दूं, एस्टिमेशन इंजीनियर की जो जॉब है जो करंट में है, आज से 5 साल बाद देखना उसका रेशियो 20% हो जाएगा, 80% माइनस हो जाएगा। आप बताएं क्यों? क्योंकि सारा जो एस्टिमेशन का काम है अभी बीम के सॉफ्टवेयर कर दे रहे हैं, टेकला कर दे रहा है, रवि स्ट्रक्चर कर दे रहा है। तो जब सारा काम मैनुअल इससे वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो जो मैनुअल और एक्सेल से करते थे उसका तो पूरा डिमांड ही लूज हो गया, ठीक
ठीक है। तो समय के हिसाब से चीजों की डिमांड जो होती है वो लेस होती चली जाती है एक टाइम के बाद। एक टाइम पे पता है कि तुमको स्केचअप सॉफ्टवेयर था बहुत ज्यादा मार्केट में, स्केचअप का नाम था ठीक है। रेविट जैसे सॉफ्टवेयर आया उसने अपने फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे लेके आया। स्केचअप को मैं पढ़ाता हूँ वैसे स्केचअप, बट स्केचअप को ऐसा रिप्लेस किया कि उसका जगह ही नहीं दिख रहा है मार्केट में ठीक है। तो ये फिक्स होता है कि समय के अनुसार हमें मार्केट को देखना पड़ता है। अभी जैसे मार्केट में जैसे मैंने बोला भीम टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इससे अच्छा कोई इस समय डोमेन नहीं दिख रहा है मुझे। एक तो भीम है, स्ट्रक्चर्स तो भाई एवरग्रीन है, स्ट्रक्चर्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है, तो इसमें तुम जा सकते हो। और मैं ये बोलूंगा कि तुम देखो कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं और उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ तो टॉप कंपनीज के अंदर बीम के रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तुम अगर इसमें जाते हो तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन ये नहीं कि केवल बीम है, स्ट्रक्चर्स में चले जाओ ठीक है, स्ट्रक्चर्स में भी काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ है, तो उसमें भी जा सकते हो। एक्चुअली स्ट्रक्चर्स में जो मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक्चुअली अभी मेरा टच में नहीं है अभी, तो फिर डेफिनेटली अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इसीलिए ठीक है। और बीइंग के इसमें लिए ही भी, सोच रहा हूँ। इसमें भी देखो क्या होता है, इसमें भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसके अंदर ठीक है। कम्युनिकेशन के अलावा तुम्हारा इमेजिनेशन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हम इमेजिनेशन हमारा अच्छा हो ठीक है। क्रिएटिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम इस तरीके के थॉट माइंड में रख सकते हैं। ये सारा कुछ देख के तब जाके इस प्रोफाइल में तुम्हारा समन्वय होता है। और डेफिनेटली इस प्रोफाइल में ज़्यादा पैसा क्यों है, क्योंकि इसमें कंपनीज के नंबर ज़्यादा हो चुके हैं और कंपनीज ज़्यादातर बाहर के प्रोजेक्ट्स इंडिया में कर रही हैं, तो प्रोजेक्ट में पैसा अच्छा मिल जाता है ठीक है। तो कोई भी जो एक्चुअली बाहर के सर प्रोजेक्ट मैं करेगा वेब वो ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट देता में, है। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली वेब डेवलपमेंट में जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी रिसेशन पे टाइम में अभी तो बहुत लेऑफ्स हो रहे हैं, अभी मोटिवेशन नहीं हो रहा है तुमने पढ़ने के तुमने लिए। मेरा तुमने मेरा लगता है 6 महीने पुराना वीडियो नहीं देखा था। मैंने उसमें बोल रखा था कि ये दिन आएगा जो अभी आ गया है और स्टार्ट हो गया। अभी रिसेशन देख रहे हो ना, ये तुमने थोड़ा सा रिसेशन देखा हुआ है। कई लोग क्या था, आज से 1 साल पहले मुझे बोलते सर मैं इसमें जा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा पैकेज। मैंने बोला चले जाओ ठीक है। और मैंने ये भी एक वीडियो बना के डाला हुआ था, अगर तुम कभी देखना, वो वीडियो मुझे याद तो नहीं कौन सा है। तो मैंने बोला था कि आगे आने वाले दिनों में जहाँ पर भी जिस चौक पे ज़्यादा भीड़ लगने लगती है वहां पर देखना, थोड़े थोड़े ना दुकानों की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं ना ठीक है। आईटी में क्या हुआ, सारे लोग आ गए। जब मेरे एक काम को करने के लिए 100 लोग बैठे हुए हैं तो मैं बोलूंगा तुम कितने में करोगे, तुम बोलोगे 3.6 में, दूसरा बोलेगा 3.1 में, तीसरा बोलेगा 2.8 में। रिड्यूस हो रहा है ना कॉस्ट, समझ रहे हो। तो ये आईटी में ये हो चुका है स्टार्ट। और अभी तुमने देखा गूगल ने कैसे कई लोगों को, 12,000 लोगों को एक साथ निकाला। उसके अलावा इन्फोसिस ने कई एम्प्लॉइज को निकाला और ये होने वाला है क्योंकि भर गए थे सब। सबको लगता था यार इससे अच्छा कोई लोग नहीं है। लोग लॉकडाउन में देखे कि यार ये लोग आराम से ऑफिस में बैठ, घर पे बैठ के काम करते हैं, सब घुस गए। और अब रिजल्ट निकल रहा है फिर का, ये मैंने पहले बोला था कि ये होगा और अभी बहुत बुरा होने वाला है। अभी और ये जो रिसेशन चल रहा है, ये बीम की इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट ये नहीं हो सकते कि बीम में रिसेशन नहीं आएगा। आज से 15 साल 10 साल के बाद बीम में भी रिसेशन आ सकता है ठीक है। देखो जब किसी भी, अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है अभी तो बहुत बीम। ज़्यादा, अभी तो डिमांड चल रहा है ना, अभी तो डिमांड है। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, अभी देखो डिमांड कितना है। जॉब्स देखो ना डायरेक्ट ठीक है, अभी डिमांड्स में है। और ये फिक्स है, जिसकी डिमांड बढ़ती है एक टाइम के बाद घटती हुई है, बट घटने में 8-10 साल निकल जाते हैं लोगों के और उसके बाद फिर घटती है। और ऐसा नहीं है कि फिर आईटी फिर से नहीं आएगा, फिर से आईटी कुछ समय के बाद डोमेन हो फिर बढ़ेगा, हाँ पर वो कई साल लग जाएंगे उसको इम्प्रूव होने में। पता है जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से 2020 तक सिविल का मार्केट एकदम डाउन था ठीक है। अब जाके सिविल का मार्केट बूम पकड़ रहा है ठीक है। और टचवुड के भी बहुत अच्छा जाने वाला है मार्केट, ये फिक्स है। क्योंकि अभी तुम देखोगे तो चाहे रियल इस्टेट में देख लो, चाहे डेवलपमेंट में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में बूम कर रहा है ठीक है। तो ये तो तुम्हारा, सर बोलो बोलो। मेरा अभी जो फिलहाल लैपटॉप मेरे पास जो है, अभी i5 11 जनरेशन का 8 GB RAM और 5 512 ये SSD है, सफिशियंट सफिशियंट है, रियलमी सफिशियंट का है, वो है, सफिशियंट है। एट जी बी कंपेटेबल रैम होगा? हाँ 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 8 GB RAM सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। जाओ ठीक है सर। और सर और एक और लास्ट क्वेरी हाँ था बोलो मेरा बोलो कि बोलो बोलो।
टाइम सर कैसे मैनेजमेंट करूंगा, अभी आपको भी तो पता है साइट में कैसा काम होता है, टाइम का जी कैसे सिचुएशन रहता देखो, है। इसके सबसे राइट पर्सन तो तुम हो इसको सही करने के, पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कितने बजे तक अप्रॉक्स जॉब पे रहते हो, कितने बजे तक जॉब पे रहते हो अप्रॉक्स? कितने बजे तक? लगभग इन जनरल तो 8-9 बज जाते हैं। ओके देखो, इसमें क्या होता है, हम ना क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देते हैं क्लास की, तो इन केस जो जॉब में है उनके लिए छूट भी रहती है कि भाई आप बाद में रिकॉर्डिंग्स को भी कवर कर लो, ठीक है? तो सर ये उनके लिए मतलब बीम रहता, का 8:30 बजे से क्लासेस होता है, 8:30 से 10, तो वो तो 1.5 घंटा, और बाकी कैसे फिर होता है? उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर है ना, फिर 1.5 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो तुम्हें अपने घर से वॉच करना है, चाहे जब वॉच कर लो, है ना, जब तुमको टाइम लगता है। तुम साइट पर खड़े होके भी वॉच ओके किए फोन लगा के तो भी चलेगा, ठीक है? और उसके बाद जो 2 घंटे की प्रैक्टिस है वो भी तुम चाहे जब कर लो, ये 1.5 घंटा तुम्हें फिक्स रखना है बस, ओके सर, ठीक है? चलो, ओके सर, और भी कोई दिक्कत रहेगा ना मुझे क्वेरी व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? और जो भी तुम्हारे सबके डाउट्स, मैं कोशिश यही करूंगा कि सॉल्व हो जाए, ठीक है? सर फ्रेशर्स में अभी अगर अभी एंट्री करेंगे कितना जनरली पैकेज देते हैं? ये देखो, फ्रेशर्स का पैकेज भी डिपेंड करता है इसमें शामिल, तुम्हारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, तुम्हारा अगर डिज़ाइन में, तुम्हारे पोर्टफोलियो में दम है, तो तुम 3.6 तो आराम से क्रैक कर लोगे। पर अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, डिज़ाइन भी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है 12,000 भी ना मिले, है ना? तो ओके सर, इसीलिए उसमें तो तो सर चार आप महीने गाइड प्रिपरेशन, करेंगे ना? मैं यही तो 4 महीने करता हूँ ना, 4 महीने का मेरा यही काम ही है कि आपको गाइड करके एटलीस्ट 3.6 तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? पर वो हम लोग किसी के तरफ फेक प्रॉमिस नहीं कि नहीं, तुम 8 लाख कमा ही लोगे, कैसे कमा लोगे, जब स्किल सीखो तब तो बिल्कुल सर, कमाओगे ना, हाँ ठीक है? हाँ चलो मोहित, कुछ बोलना चाह रहे हो पूछ लो, उसके बाद भी कोई और पूछना चाह रहा है बिल्कुल हैंड रेस कर लेना। अमन कुछ बोलना चाह रहे हैं? मोहित तुम बोल दो, फिर आगे और लोग से बात करते हैं। सर मेरे 5 पॉइंट्स थे। हाँ बोलो, फर्स्ट की सर, जो हमारी मेथोलॉजी होगी पढ़ाने की आपकी, वो करेक्ट सर कैसे चलेगी? मतलब पहले हमें जो रिकॉर्डेड सेशन, मतलब आपके एक ऐप पे, यूनिक सिविल ऐप पे बता देता हूँ, एक मैं बी आई एम क्वेश्चन का का आंसर डायरेक्ट कर देता हूँ, कॉपी है। ठीक है? मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, हाँ, देखो और सर, हमारा, हाँ बोल बोल बोल, जब पांचों बोल दो फिर बताता हूँ आंसर। हाँ जी सर। और सर वो दूसरा ये था कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप असाइनमेंट्स देते हो कि ये असाइनमेंट इतने दिन में करके आना है, तो वो सर वो वीडियोस देख के फिर वो असाइनमेंट करके फिर हमें डॉक, मतलब आपके क्लास में बैठना है, या फिर करेक्ट, पहले आप हमें समझाओगे, हमें फिर नहीं वीडियो देखना है फिर असाइनमेंट पहले करना है? देख के आना है, क्योंकि देख के आने के बाद ही मेरी क्लासेस ऐसी होती हैं, कितनी इजी लैंग्वेज में होती हैं कि आधा तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है? जो 10% 20% रहा, आप आके डेली मेरे से क्वेश्चन डेली पूछ सकते हो। इसका तरीका मैं बता दूँ, क्लास कैसे चलता है पहले ये बता दूँ, फिर आगे क्वेश्चन पूछना। क्लास अपना चलता है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का जो 30 मिनट होता है स्टार्टिंग का, जिसमें मैं केवल आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ। किसी दिन 4D पढ़ाऊंगा, किसी दिन 5D, उसका फिक्स शेड्यूल है सबका, 4D 5D स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, इस तरह तरह का पूरा 4 महीने का प्रोग्राम है। वो बिल्डिंग बाय लॉ है, रेरा के रूल्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करेंगे, वास्तु रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो 4 महीना आधा आधा घंटा तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन चलता है। नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है, उस आधे घंटे में आपके साथ आपको मैं असाइनमेंट्स दिया रहता हूँ, उन असाइनमेंट्स को एवरी डे फॉर एवरी पर्सन में चेक करता हूँ, क्या गलत किया है, क्या सही किया है और किया क्यों नहीं है, वो सब भी आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, और उसी समय बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे आपको ये करना है। ये हो गया 1 घंटा। फिर लास्ट का जो आधा घंटा होता है, इसमें ये मैं आपको देता हूँ, और इसमें क्या रहता है कि आपको अपने घर से जो वीडियो दिया हूँ वॉच करने के लिए, या फिर जो असाइनमेंट्स देने दिया हूँ करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, तो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो लास्ट आधे घंटे में आप भर के पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि लास्ट आधा घंटा कोई हो, मैंने फिर से बता दूँ, आधा घंटा की जगह 1 घंटा भी हो गया तो भी चलेगा, आधा घंटे की जगह 20 मिनट हो गया तो भी चलेगा, तो वो आपके डाउट्स सॉल्व होने चाहिए हमारे लिए मैटर करता है। तो ये हो गया 1.5 घंटा ये, और 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग रहता है जो कि आप घर से वॉच करते हो, और उसके बाद 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है, जिसका मैं क्लास में ही बता देता हूँ कि ये करना है, आप करके आते हो, सबमिट करते हो, वो कर तब भी पाओगे जब मेरा रिकॉर्डिंग वॉच करोगे, ठीक है? ये भी एक तरीके से लॉक है, जो रिकॉर्डिंग वॉच नहीं करेगा वो असाइनमेंट्स कर ही नहीं पाएगा, ऐसा चलता है मोहित अभी कुछ। और उसके बाद मंडे सॉरी हर सैटरडे और फ्राइडे को अपना मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, जिस दिन आप सामने बैठते हो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप क्लियर करते हो, क्वेश्चन देखा होगा कई ढेर सारे वीडियोस आप लोगों ने। उसके बाद अल्टरनेट फ्राइडेज को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैट टेस्ट देते हैं। ये ड्राइंग्स इतने मिनट में बनानी है, क्योंकि कंपनी पूछती है ना, कंपनी में जनरली 4 राउंड ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। पहला राउंड होता है जो कि आपका फेस टू फेस राउंड होता है, जिसके लिए पूरी प्रिपरेशन। दूसरा राउंड होता है जो आपका कैड राउंड होता है,
ड्राइंग्स दी जाती है, पर्टिकुलर मिनट दिया जाता है, इस मिनट में आपको बनाना है, वो प्रिपेयर कराता हूँ। उसके बाद तीसरा राउंड होता है एचआर का, वो प्रिपेयर कराता हूँ। चौथा राउंड होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि आप फ्यूचर के लिए क्या देख रहे हो, इंट्रोडक्शंस वगैरह एवरीथिंग, आपका इमेजिनेशन पावर क्या है, कंपनी को लेकर क्या सोचते हो, तरह तरह की चीज़ें होती हैं वो। तो ये चारों राउंड्स पे मैं 4 महीने तक टोटल प्रिपरेशन कराता हूँ। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। और सर ये जैसे आप प्लेसमेंट्स का जो बता रहे थे आपकी का, तो सर वो आप हमें जैसे अभी ग्रुप एक बनाता है BIM जॉब्स करेक्ट करके, तो सर करेक्ट उसमें ही आप मतलब हमें डालते रहोगे कि यहाँ यहाँ वैकेंसी है आप अप्लाई कर दो, तो सर कहीं ऐसा भी होता है कि आपके रेफरेंस से जाएंगे हम कि बहुत बार ऐसा होता है, आपके थ्रू सर? बहुत बार होता है। अभी कल ही एक लड़का भी, पता नहीं अभिषेक है कि नहीं है, अभिषेक आया था, अब शायद चला गया अपना, वो आया तो है। अभी अभिषेक ने कल मेरे से बात किया। अब क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट है मेरा, देवयानिक, अभी अभिषेक यहाँ पर लाइव भी है। तो अभिषेक, अभिषेक तुम ही बताओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभिषेक अपना माइक ऑन कर लेना। हेलो, हेलो, हाँ प्रियदर्शी तुम बताओ जॉब में इवनिंग हम सर। लोग, गुड इवनिंग, गुरुकुल में जॉब के बारे में कैसे हम लोग करते हैं बताओ। तुम्हारी आवाज़ थोड़ा वो इको आ रहा है। एक सेकेंड सर। हेलो, हाँ अब प्रियदर्शी, क्लियर है सर? हाँ, आप क्लियर है, यस सर। फर्स्ट थोड़ा सा क्लियर ऑफ हुआ। ऑल जॉब्स के रिगार्डिंग ये होता है कि जो भी वैकेंसी मतलब आती है निकलती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्रोवाइड हो जाती है ग्रुप में। देन एज पर रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग आपकी CV मॉडिफाई की जाती है, तो वो आपको करनी पड़ेगी एज पर मतलब हर कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं वो। और उसके बाद में आप उन पर्टिकुलरली मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है मेल करने का, और विथ कवर लेटर, विथ पोर्टफोलियो और CV, मतलब ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसके थ्रू करते हैं। और मतलब और उसमें ये भी लिखना, मतलब कंप्लीट कवर लेटर में लिखना पड़ेगा कि रेफरेंस बाय यूनिक सिविल मिस्टर आकाश पांडे सर, ऐसे करके। तो उसमें चांसेस पड़ जाते हैं आपको रेफरेंस के बिहाफ पे। तो जॉब वगैरह का जो भी रहता है मतलब ऐसे ही शेड्यूल रहता है, और एज पर रिक्वायरमेंट आपको वो चीज़ अपडेट मिलती रहती है प्रॉपर टाइम टू टाइम, कब निकल रही है। अभी जैसे आप अगर कोई कोर्स करेंगे, ऑटो कैड कंप्लीट करेंगे, तो फिर ऑटो कैड की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिलती रहेगी। और अगर BIM कंप्लीट होता है तो ऐसे ही मतलब जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं वैसे उससे रिलेटेड जॉब्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मिलते हैं। आपको बस ये देखना है कि आपका कहाँ पे किस कंपनी के लिए सूटेबल हो, आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ के लिए आपको चाहिए, और पर्टिकुलरली उसको एक मतलब वेल मैनर्ड फॉर्म में अप्लाई करना विथ प्रॉपर टाइमिंग एंड मतलब पेशेंसली। तो टाइमिंग भी क्या है, टाइमिंग सर आपका पॉडकास्ट वाला सर मोनिका के साथ में, उसने पूरा टाइमिंग का बताया हुआ है पूरा, उसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और यही थोड़ा सा सर। गुरुकुल के रिव्यूज भी दे दो उन सबको, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेज होता होगा जो नए लोग उनको हाँ, सुनते हैं। गुरुकुल के, मैं एक्चुअली गुरुकुल का ही स्टूडेंट हूँ, और थर्ड बैच था सर ना मेरा। हाँ थर्ड बेस्ट, हाँ, मेरा था कि वैसे तो तुम मैंने फर्स्ट ऑटो बेस्ट से कैड। हो, लेकिन क्या बोलते, गुरुकुल के थर्ड बेस्ट हाँ हो। जी, हाँ सर। तो मतलब मैंने ऑटोकैड सर से पहले ही सीखा हुआ था, देन उसके बाद में मैंने मतलब मेरा मेरा हाँ ग्रेजुएशन चला था, तो मैंने लास्ट ईयर में जाके गुरुकुल पे फोकस्ड किया, और अपने पेपर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने चालू किया। मैं 22 में ही पास आउट हुआ हूँ, और अभी प्रेजेंटली मेरे को 3 मंथ हो रहे हैं, एक कंपनी है गुरुग्राम में, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ करके। और मेरा मैंने इस बीच में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई एग्जाम्स 4 मंथ गुरुकुल में दिया था, और विद इन 2 मंथ्स हो गया था सिलेक्शन, और मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद का मेरा पूरा मतलब छूट गया था क्योंकि जॉब का शेड्यूल के वजह से। और अब उस बीच में ये था कि आप अपने आप को खुद भी वहां पे देख सकते हैं कि विद इन 2 मंथ्स, 1 मंथ तो ऑटोकैड में चला गया, 1 मंथ आपका BIM में चला गया, मैं सॉरी रिविट में। तो आप रिविट आर्किटेक्चर जैसे कंप्लीट करेंगे वैसे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो ये है कि मतलब आपको कंप्लीट पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, मतलब एक पैकेज फॉर्म में मिलता है, और कोई कंपनी भी आपको देखेगी तो एक पैकेज के फॉर्म में ही देखना चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि जो इसको हम हायर कर रहे हैं वो थोड़ा मल्टीटास्किंग हो, ना कि प्रॉपर एक वर्क पे मतलब किसी एक सॉफ्टवेयर पे वर्क करे। क्योंकि क्या है, कंपनी का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इनकेस अगर उसको ऑटो कैड यूज कर रहा है तो उसको ऑटो कैड का तो आना ही चाहिए, प्लस साथ ही साथ अगर उसको मतलब RCDC सर जैसे डिटेलिंग है वो सब भी आए,
सो दैट वो कंपनी का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है. और अभी आप रिविट करोगे तो रिविट में आपको ऑटो कैड की फाइल लिंक करनी पड़ेगी, तो हो सकता है ऑटो कैड आपको मॉडिफाई करना पड़े कुछ चीजें, तो वो रिविट मतलब वो एज अ पैकेज ही मतलब देख लेना चाहेगी आपको, ना कि कोई परफेक्टली एक सिंगल पोर्शन पे. और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पैकेज भी बढ़ जाती है. सही बात ये बोला कि अभिषेक ने कि क्या बोलते हैं, थैंक यू अभिषेक। वैसे तो क्या बोलते हैं, अभिषेक का एक प्लस पॉइंट बता, कई ढेर सारे प्लस थैंक पॉइंट है। ओके थैंक यू अभिषेक। तो अभिषेक ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही कोई या मैं कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है। जस्ट अभिषेक अपना स्टूडेंट है, वो आया था, मैंने सोचा चलो बात कर लेंगे उससे। और क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि इतना टैलेंटेड है कि इसको ट्रेनिंग के दौरान इसको 6 कंपनीज के ऑफर आए हुए थे। 6 कंपनी, एक दो नहीं, 6 कंपनी। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते लगाते वो मैंने बाद में बोला आप इंटरव्यू मत दो, ठीक है, और अगर ये देता तो और भी सिलेक्शंस होते। तो ये एक्चुअली मेन रीज़न उसका ये है, एक्चुअली कंसिस्टेंसी, जो अपना गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डेली प्रैक्टिस, डेली असाइनमेंट्स। ये आपको बोर कर देगा, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप 1 महीने बाद बोलोगे सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, और जिसने कर लिया वो एग्जाम्पल वो बन जाता एग्जाम्पल है। बन जाता है. आशीष कुछ बोलना है आशीष कुछ क्या? बोला क्या? यस सर. बोलो बोलो. सर ये कह रहा था मैं, मेरी ना बीटेक में रिया हैं दो, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर का कोर्स लेना था, मेरे लिए बेटर रहेगा ना सर? पास कब पास कर कब लोगे पास कर उसको? लोगे उसको? 2022 सर. और री कब री तुम्हारी क्लियर कब होगी? बनी हो? री सर मई जून में पेपर है. तब कोई दिक्कत नहीं, तब क्या दिक्कत। मैं मतलब कंप्यूटर मतलब एक को आ तुम्हारा रहा इनको आ है, रहा है, किसका सर? तुम्हारा ना तुम्हारा ना डबल लेवल डबल आ लेवल रहा आवाज आ है। रही है. डबल सर. हाँ हाँ ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारा 22 जून में कंप्लीट हो रहा है, अभी क्या फरवरी चल रहा है, खत्म होने वाला है, ठीक है, तो जून में चल रहा है, तो बिल्कुल तुम स्ट्रक्चर्स में आराम से कर सकते हो। अकबर पाशा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जी अकबर बोलो। जी सर, फ्रेशर्स क्या से सर जॉब्स कम है ना सर भीम में? देखो फ्रेशर्स हम बोलते क्यों हैं खुद को, ये इम्पोर्टेंट है। हम फ्रेशर, जी अगर तुम फ्रेशर का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। अभी देखो सर. प्रियदर्शी फ्रेशर ही तो थे, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने बोला ही नहीं कि मैं फ्रेशर था। फ्रेशर का मतलब होता है जिसको कुछ आता ही नहीं। अगर आपने 4 महीने किए, 20 से 25 प्रोजेक्ट किए, तो आप फ्रेशर कहाँ से रह गए, समझ रहे जी हो? सर, राइट सर. फ्रेशर तो वो है जी सर. जिसने कभी प्रोजेक्ट चलाया नहीं, कभी सॉफ्टवेयर देखा नहीं उसको, तो हम फ्रेशर खुद को बोले ही क्यों? हमने 4 महीने इंटर्नशिप किया, 35 से 40 प्रोजेक्ट कर डाले, अच्छा सा पोर्टफोलियो सामने वाले को जी सबमिट कर रहे हो, किस बात के फ्रेशर हम? तो फ्रेशर है ही नहीं हम, ठीक है। तो राइट फ्रेशर सर. तो जी सर. इसलिए मेरे पास भी कई लोग आते हैं। अभी एक लड़का मुझे शायद व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि सर सर मैनी कंपनीज बोले तो एक्सपीरियंस पूछे ना सर, एक्सपीरियंस किधर का, लास्ट टाइम कौन सी कंपनी में करे, तकरीबन कंपनीज वो यूनिक्स पूछे में, ना सर. यूनिक्स सिविल में हम इंटर्नशिप किए हैं, यूनिक्स सिविल में हमने बीम के अंदर इंटर्नशिप किया हुआ है, और कोई फर्जी नहीं, नहीं सीखा हुआ है, इतने नॉलेज है मेरे पास, मेरे काम देखिए आप, ठीक जी है। सर. जब ये बोलते हो कि इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, आपने उसमें सीखा ना, प्रैक्टिस किया है ना, राइट राइट सर. ठीक है, तो जब सीखा है तो सीधी सीधी बात है कि आपकी एक्सपर्टीज आ चुकी है उसके अंदर, तो आप जी सर. बिल्कुल जा सकते हैं। और उनको बोल दिए कि सर आप मेरा नॉलेज चेक करिए, लाइक आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बीम, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो हमने कर रखा है, उसका तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जी वही सर. आएगा जो हम सर बताएंगे। अभी कोर्स की फीस कितनी होंगी सर कोर्स की ये कोई बीम ज्यादा नहीं है की? ब्रदर, इसकी पूरी जैसे तुम लोग देखते होगे बाहर, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ओनली 20,000 टू बी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। इसमें सब कुछ है, मतलब तुम्हारा कम्युनिकेशन क्लास भी इसी के अंदर है, इसी के अंदर तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन है। 20,000 रहता है, और पार्ट में कर सकते हो, और उसके अलावा वन टाइम में करना है तो 18,000 रहता है, वो 2,000 का डिस्काउंट रहता है वन टाइम में, ठीक है। तो ऐसा जी कुछ काफी सर. रहता है, और इसके बाद ये पूरा का पूरा तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है एक्सेस करने के लिए, चाहे जब रिवाइज करना हो, इंटरव्यू है रिवाइज कर लिया, सारे नोट सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ मिलेगा तुम्हें इसी में। जी सर. अभी सर इधर हैदराबाद में सर कंपनीज कम है सर ना सर भीम के? अभी मेरे को कंपनीज जॉब लोकेशन हैदराबाद ही चुना सर अगर. ठीक है, देखो हैदराबाद हो या फिर कोई भी सिटीज हो, ठीक है, जो मेट्रो सिटीज है, जी देखो वहां पर जी जॉब सर. है, ठीक है। हमें जी देखना पड़ेगा वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट क्या चल रही है, उस रिक्वायरमेंट पर जी अगर हम सर. मैच करते हैं तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी हैदराबाद में अभी जो अभिषेक बोल रहा था, एक लड़की मोनिका करके थी जिसके पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा था अभिषेक, तो वो जी सर. हैदराबाद में ही जॉब कर रही थी, एंड सी वॉज गेटिंग 50,000 per month, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हैदराबाद में भी जॉब्स हैं। हाँ नंबर ऑफ जॉब्स कम ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जी
मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स है सर, ऑलरेडी जी कंप्लीट करे सर, मगर एज ए फ्रेशर मुश्किल से सर एज ए जॉब लगने के सर। इसी में तो यही तो अंतर है गुरुकुल में और एज ए सॉफ्टवेयर लाइक कोई रैबिट या ऑटोकैड सीख लिया उसमें यही अंतर है। वहां पर तुमने सीख लिया, यहाँ पर तुमने कर लिया प्रोजेक्ट, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, सीख लिया और कर लिया प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का प्रूफ दिखा दिया सामने वाले को, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, ऑटोकैड सीखना कितना आसान है, यूट्यूब पे खोलो 10 वीडियो देख लो ऑटोकैड खत्म। ठीक है, लेकिन गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में तुम समेशन ड्रॉइंग बना के देते हो। ठीक है, जो समेशन ड्रॉइंग बना के देते हो मतलब मामूली बात नहीं है। ठीक है, 3D बना के दे रहे हो जो प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत डिफरेंस है, इसका कंपेयर एक कोर्स से नहीं किया जा सकता, ये पूरी इंटर्नशिप है बदल। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी, ओके। और भी किसी कुछ रहेगा मुझे DM भी कर सकते हो, उससे पहले अविनाश कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात रखना चाह रहे हैं और वैलेंटाइन डे का वीक चल रहा है तो इनका पूछना पड़ता है। हाँ जी अविनाश बोलो। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलो सर। डिप्लोमा होल्डर के लिए अपॉर्चुनिटी होंगी ना सर फ्यूचर में बीम के? फ्यूचर में नहीं, अभी भी है। डिप्लोमा होल्डर का पहला प्रोफाइल ये बीम मॉड्यूलर है और डिप्लोमा होल्डर को जितनी वैल्यू बीम के अंदर मिलती है वो स्ट्रक्चर में उनको रखते नहीं, तुमको पता है ये चीज। ठीक है, ड्राफ्टिंग में रख सकते हैं या फिर बीम में रख सकते हैं, दो ही प्रोफाइल बनती है। तो बीम के अंदर सबसे बेस्ट करियर अगर बनाना है डिप्लोमा वालों के लिए तो सबसे बेस्ट यही करियर है। ठीक है, मैं ऐसा इंसानों में क्लियर बताता हूँ, अगर स्ट्रक्चर होता तो मैं तुमको स्ट्रक्चर बोलता, पर स्ट्रक्चर्स तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, बेवकूफी हो जाएगी, खरीद करके कोई मतलब नहीं है, मार्केट में है ही नहीं स्ट्रक्चर डिप्लोमा पे, है ना? ओके सर, थैंक यू, बीम बेस्ट है, चलेगा। और भी किसी कोई, ओके, और भी किसी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ लो। अमित दास आए हुए हैं, थोड़ा इनकी ट्रेन लेट हो गई है पर ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी कोई डाउट है? ठीक है, आमिर खान बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद साहिल सिंह कुछ बोलना चाहेंगे। आमिर बताइए आप, आमिर खान, ठीक है बोलो आमिर। सर इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। देखो बीम के अंदर मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज करने की बात करोगे तो बहुत है, पर मार्केट में जो मैक्सिमम यूज हो रहे हैं उनकी बात करता हूँ। मैक्सिमम जो यूज हो रहे हैं वो ऑटोकैड तो हर जगह होता है, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी, टिकला और नेविसवर्क, ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो 3ds Max भी कुछ कंपनियां यूज कर लेती हैं, कुछ कंपनियां स्केचअप भी यूज कर लेती हैं। अपने सिलेबस की अगर बात करोगे तो हम लोग ऑटोकैड पढ़ते हैं, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी पढ़ते हैं, नेविसवर्क पढ़ते हैं, टिकला पढ़ते हैं, 3ds Max पढ़ते हैं, स्केचअप पढ़ते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि वहाँ की रिक्वायरमेंट आपके रिक्वायरमेंट को मैच ना करे, आपकी CV उनके रिक्वायरमेंट से मैच करेगा, ये काम मेरा है। और मार्केट में यही डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है जो यूज में आ रहे हैं। और भी इनकेस ऐसा हुआ कोई कंपनी कुछ और भी बता रहा है कि मुझे ये भी चाहिए तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि कवर कर दिया जाए, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जो बचे। ठीक है आमिर, चल ओके सर, थैंक यू, ओके जी। साहिल अब आप कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाहिए और पूछे तो। चलो आशीष थोड़ा सा रुक जाओ, साहिल बोल लो। सर वही टेक्ला के लिए स्टील का क्या रोल है? टेक्ला के लिए स्टील का क्या रोल है? फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम, मतलब? नहीं सर आपने बताया था एक बार कि स्टील सब्जेक्ट आना ज्यादा जरूरी होता है, टेक्ला जाना। ओके ओके ओके, गॉट इट। देखो टेक्ला का कई लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरे को, कई लोग बोलते हैं सर वो टेक्ला सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे और मुझे स्टील में जॉब करनी है, स्टील स्ट्रक्चर में जॉब करनी है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो टेक्ला सॉफ्टवेयर हो या फिर जिससे कई लोग बोलते हैं कि सर स्टैट प्रो सीख के स्ट्रक्चर में जॉब करूंगा, लिखवा के ले लो मुझसे, स्टैट प्रो सीख के कोई स्ट्रक्चर में जॉब नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना यार, विंड एनालिसिस लग रहा है तो विंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, VV K1 K2 K3 कहाँ से आता है, K1 की वैल्यू कहाँ से रीड कर रहे हैं, K2 की कहाँ से रीड कर रहे हैं, K3 कहाँ से रीड कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता होना चाहिए, तब स्टैट प्रो का सीख के स्ट्रक्चर में जॉब ली जा सकती है। सेम अगर टिकला की बात करूँ तो केवल टिकला सॉफ्टवेयर अगर सीखना हो बिलीव करो सबसे अच्छा तरीका है टेक्ला सॉफ्टवेयर सीखने का, 10 YouTube वीडियो देख लो क्लियर हो जाएगा, जिसमें से 4-5 तो मेरे खुद के हैं। ठीक है, लेकिन टेक्ला सॉफ्टवेयर से जॉब नहीं लगती है, टेक्ला सॉफ्टवेयर के पीछे कौन सा मेंबर यूज करेंगे? ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम ISMB यूज करेंगे, ISMB में 300 यूज करेंगे कि 600 यूज करेंगे? ठीक है, ओके, हम लोग एंगल सेक्शन यूज करेंगे तो कि अगर हमारा पल्लीन है तो पल्लीन के लिए जेड सेक्शन कहाँ यूज करें, सीख सेक्शन कहाँ यूज करें?
नॉर्मल इंसान के लिए पर्लिन मतलब पर्लिन है, पर आपके लिए पर्लिन मतलब जेड सेक्शन कहाँ यूज करना है जहां ज्यादा लोड आ रहा है, सी सेक्शन कहाँ यूज करना है जहां कम लोड आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है ये पता होना चाहिए। कनेक्शन दे रहे हो तो बिल्डिंग दे रहे हो तो पहले तो कनेक्शन के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, हर टाइप्स को कहाँ कौन 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 से टाइप्स को यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन उनके की, अच्छा बिल्डिंग कर रहे हैं तो बिल्डिंग के कौन कौन से टाइप मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से कौन सा बिल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर हम लोग सपोज बोल्टिंग कर रहे हैं तो अपेक्स हंजेस कहाँ पे यूज करेंगे, पिन बोल्ट कहाँ पे यूज करेंगे, बेस प्लेट कहाँ पे लगाएंगे, बेस प्लेट के अलग अलग टाइप्स हैं। अभी तुम जस्ट पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा ये ट्रेलर ही एक्चुअली पूरा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत बड़ा है ये। तो बेस प्लेट के कई जैसे टाइप्स है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, उनकी थिकनेस कितनी रखेंगे, ये सब के अंदर जाके तब टेक्ला सीखो। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कॉन्सेप्चुअली टेक्ला को लेके जाऊँ जिससे कि आपका जॉब के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो टेक्ला मतलब ये होता है, टेक्ला समझे साहिल, कॉन्सेप्ट के साथ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी आशीष बोलो। तेरा करने के लिए हेलो। ओके जय प्रकाश कुछ बोलना चाह रहे, चलो अच्छा ठीक है आशीष रुक जाओ, जय प्रकाश का ही सुन ले पहले भाई। हाँ जी जय प्रकाश बताइए। सर मैं ये कह रहा था, मैंने डिप्लोमा किया था 2017 में, करेक्ट। उसके बाद में सर मैंने 2 साल जॉब की थी कमर्शियल प्रोजेक्ट में। ओके फिर सर मैंने बीटेक की थी, बीटेक में बीटेक के साथ फाइनल ईयर में सर मैंने जॉब ले ली थी, करेक्ट। मेरी अभी बीटेक में अभी रिहाई हुई है सर। ओके मेरे को सर साइट वर्क पसंद नहीं है, मेरे को जाना ऑफिस वर्क में, करेक्ट। मेरा सर मेन मोटिव डिजाइनिंग में जाना है, करेक्ट। डिजाइन में स्ट्रक्चर डिजाइन में जाना है या फिर क्या बोलते हैं बीआईएम डिजाइन में जाना है? स्ट्रक्चर डिजाइन सर। ओके सर कंफ्यूजन ये है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन मेरे लिए बेटर रहेगा या फिर बीम। ओके तुम्हें किस में तुम्हारी बैक आई हुई है, री जो बोलते हो तुम? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा मटेरियल क्लियर हो गया, तुमको बीम में जाना चाहिए, बीम में जाना चाहिए सर। ठीक है अगर तुम्हारा दूसरा किस में आया हुआ है? मैनेजमेंट सर। अरे यार तुम कंफ्यूज कर गए, मैनेजमेंट दोनों में से एक में आना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स टर्म में ज़्यादा आता होता है या फिर थ्योरी टर्म्स में ज़्यादा आता है, ठीक है। तुम्हारा तो दोनों में ही आ गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ तो मतलब रिजल्ट जो बन रहा है, एक्चुअली देखो अब तुम खुद से डिसाइड करो, मेरे कहने से या फिर किसी के कहने से मत डिसाइड करो। मैं आज तक कभी भी किसी लड़कों को ये नहीं बोला कि इसमें तुम जाओ, मैं सिर्फ डिप्लोमा वालों को बोलता हूँ कि इसमें जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि उनके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हारे लिए दोनों है, ठीक है। दोनों में अगर तुम्हें मैथमेटिक्स टर्म पसंद है तो बिल्कुल जयप्रकाश तुमको स्ट्रक्चर्स टर्म में जाना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहिए। अगर तुमको मैथमेटिक्स अच्छी है सर वैसे, लेकिन सर मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स टर्म्स इन द सेंस स्ट्रक्चर एनालिसिस, बीम की मैनुअल डिजाइनिंग, कॉलम की मैनुअल डिजाइनिंग, इनकी बात कर रहा हूँ। यस सर। सर मैं ये कह रहा था जैसे डिजाइनिंग में अगर मैं जाना चाहूँ, करेक्ट, फिलहाल कौन कौन सी कंपनियां डिजाइनिंग के लिए अच्छी रहेंगी और डिजाइनिंग के लिए क्या बेटर रहेगा? क्या बेटर मतलब क्या सीखने के लिए बेटर रहेगा? हाँ सर पाथ नहीं मिल रहा सर डिजाइनिंग के लिए, कोई अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल रही। वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो कंपनी की रही बात तो स्ट्रक्चर्स की 300 कंपनियों की लिस्ट हमारे पास है, ठीक है। बीम के 250 कंपनियों की लिस्ट हमारे पास है, उसका तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कंपनी का मत सोचो, तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहते हो या फिर बीम में, ठीक है। जिसके लिए तुम अगर मेरे से सेशन लोगे तो गलत होगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बीम अभी के हिसाब से ढाई मार्केट का जो ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट देखो कि तुम्हारे स्ट्रक्चर सिस्टम में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो तुम स्ट्रक्चर्स में जाओ। अदरवाइज बीम ऐसा है कि उसमें जॉब तो लगनी फिक्स है, अब इंटरेस्ट का तुम बाद में देख सकते हो कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और या फिर ऐसा कर सकते हो कि मैं एक सजेशन देता हूँ, ठीक है। सजेशन ये है कि तुम गुरुकुल मत ज्वाइन करो, ठीक है। तुम क्या करो, यूनिक सिविल ऐप पर जाओ, ऑल इन वन का एक कोर्स रखा हुआ है, ठीक है, उसको रजिस्टर करो। और उसमें से रेबिट भी है उसमें और स्टैट भी है, तो स्टैट प्रो भी पढ़ डालो और रेबिट भी पढ़ डालो, फिर मुझे फ़ोन करो सर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, ठीक है। जिसमें तुम बोलोगे उसके अकॉर्डिंग, रेबिट में रहेगा मैं तुम्हें बीआईएम में करवा दूंगा गुरुकुल इंटर्नशिप, और अगर तुम्हारा स्टैट में अभी मत करो 2-4 महीने बाद करना, ठीक है। और उसके बाद अगर तुमको लगता है नहीं सर मुझे स्टैट प्रो में बड़ा मजा आया तो स्ट्रक्चर्स में कर लेना, सीधी सीधी बात। ओके सर ठीक है, सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। शायद इतना जेन्युइन तुम्हें चीज कोई नहीं बताएगा जो मैंने तुमको बताया, यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं तुमको इंस्टीट्यूट वगैरह की हकीकत बताऊँ ना, तो इंस्टीट्यूट वगैरह देखते हैं कि हमारे पास किस चीज का ट्रेनर अवेलेबल है, उस हिसाब से तुम्हारा कैरियर गाइड कर देते हैं, ठीक है।
और इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा कि यही करो ये, तो सीधे बोलते हैं अच्छा उनके पास 3ds Max का ट्रेनर खाली है, वो बोलते हैं बस 3ds Max में ही सब कैरियर है, ठीक है हमेशा याद रखना। ये इतना जेनुइन चीज आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा जो शायद यूनिक सिविल में है, जो यूनिक चीज है, ठीक है। ओके चलो सर, ठीक, ओके, तो वही ऑल इन वन ले लो, उसको रजिस्टर करो, पढ़ो, उसके बाद मुझे बता देना। तो क्या बोलते हो, वैसे भी उसका जो फी होता है गुरुकुल में माइनस हो जाता है, कोई तुम्हारा फी तो लगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमने पढ़ लिया, ठीक। तो सर वो ज्वाइन कैसे करना है? वो यूनिक सिविल ऐप पर जाओ, ऐप है तुम्हारे पास, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और उसमें देखो ऑल इन वन का कंप्लीट कोर्स रखा हुआ है, ठीक है ठीक, और सर, उसमें कई लेक्चर फ्री भी हैं, पहले उनको वॉच करो, अच्छा लगे तब रजिस्टर करो, नहीं तो मत करो, कौन सा जल्दी है, ठीक ओके है। सर, चलेगा। ओके। अविनाश कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अगर कुछ बोलना चाह रहे तो बोल दो, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अविनाश कुछ बोलना है क्या, कुछ पूछना है क्या, पूछ लो, ठीक है। शायद नहीं, को उनका हैंड रेस था इसलिए मैंने बोल दिया। और किसी को कुछ बोलना है? श्रेया यू वांट टू से समथिंग? आशीष, नो सर। ओके ग्रेट, ठीक है, आशीष को भी नहीं, ठीक है। हुसैन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैंने आरसी में भी एक प्रोजेक्ट किया है ना, इंटर्नशिप में स्टील में। सर मेरे भी मतलब दिल मतलब सही नहीं लग रहा, मेरा स्ट्रांग होल्ड भी है मगर किस पे किया आपने शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट? मसला है। स्टील स्ट्रक्चर्स में भी एक किया है, 2-स्टोरी बिल्डिंग में, आरसीसी में करके देख लो, और आरसीसी में भी किया है मगर सर दिल नहीं करता सर तो फिर बीम में स्ट्रक्चर्स कर में, लो, अब पता ये क्या नहीं बोल क्यों। सकता हूँ, तो बीम में कर लो, एक प्रोजेक्ट बीम के अंदर कर लो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे कई ढेर सारे लेक्चर बीम के हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ही बहुत ढेर सारे लेक्चर्स हैं, लगे तो उनको वॉच कर लो, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट कर लो, रियलाइज हो जाएगा तुमने स्टील तो किया ही है, आरसीसी किया ही है, एक बार बीम का भी करके देख लो, क्लियर हो जाएगा अपने आप, सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि बोलो। ये जिस जैसा अभी AI का सॉफ्टवेयर आया है ना रेंडरिंग का, तो अभी कंफ्यूजन यही है कि मतलब बिम टू बी टेक्नोलॉजी है ना, ये समझो कि बिम टेक्नोलॉजी AI पे शिफ्ट हो जाए। ये तो कैसे होता है कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, तो हम क्यों ना एआई के उस टाइम पर हम एआई को डेवलप कर लेंगे, हम ये पॉजिटिव माइंडसेट रखें ना, अगर वो एआई बेस्ड आ रहा है तो हम एआई में एक्सपर्टीज अपनी रख लेंगे जो कि बीम के लिए वर्क करे केवल केवल, ठीक है। और कोई भी चीज जो होती है, हर चीज का देखो कभी भी मार्केट में कोई चीज फिक्स नहीं है, इवन तुम और हम फिक्स नहीं है, एक टाइम के बाद हमारा खुद का लाइफ फिक्स है कि भाई नमस्ते हो सकते हैं, आज रात को सोएंगे पता नहीं कल का सूरज का क्या है, तो जब हमारा फिक्स नहीं है तो तुम प्रोफाइल को लेकर क्या फिक्स रख सकते हो, ठीक है। तो जो अभी करेंट में उसमें अपना करियर बनाओ और डेली इन्हेंस, अभी एक लड़की थी पल्लवी करके, स्ट्रक्चर्स वाली मीटिंग में थी, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप लर्निंग को पॉजिटिविटी के साथ रखो ना, अभी जैसे कि श्रेया इन्होंने स्ट्रक्चर्स में काम कर लिया 2 साल, अच्छी बात है, अभी इन्होंने माइंड रखा कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं बन रहा है, मैं बीम में करके देखती हूँ, गो फॉर बीम, हो सकता है ऐसे बीम में अच्छा हो जाए, प्लस 4 साल के बाद क्या होगा, इनके पास स्ट्रक्चर्स और बीम दोनों का कंबाइंड नॉलेज होगा, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अभी प्रियदर्शी को पता है, अभी एक लड़का है अमन सिद्दीकी करके, ही गॉट द 9 लाख पैकेज, ठीक है, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, उसको स्ट्रक्चर्स का भी नॉलेज है बीम का भी नॉलेज है, तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ये तो होता ही है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, पूछिए। शाहिद अंसारी बड़ा लेट आया यार, वंदे भारत ट्रेन चल गई, तुम्हारा स्पीड स्लो है। चलो शक्तिमान कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इनको मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शक्तिमान हमारा फेवरेट शो था। यस सर, हाँ शक्तिमान बोलो। सर जो ये स्ट्रक्चर में सर डिटेलिंग कर रहा था वो जेटी प्रोजेक्ट में, तो सर हाँ रिबैंड पर सब कुछ डिटेल कर दिया, लेकिन सर सबमिट कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा था, कौन सा रैपिड से प्रोजेक्ट, कैसे निकलाएंगे वर्किंग ड्रैग। कौन सा प्रोजेक्ट नंबर, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे थे? अच्छा ये सर जेटी जो मेराइन स्ट्रक्चर। तो उसको डायरेक्ट वहां पर जाओ ना, व्यू पे चले जाओ, वहां कॉर्नर में व्यू देखो एक सीट सीट करके ऑप्शन है, सीट पर क्लिक ओके करो, सीट का पेपर साइज आ जाएगा A4 या फिर A3 जिस पे तुमको करना है, A3 पे करना होगा जहां तक है, क्लिक करो, ओके ओके। उसके जस्ट सीट के जस्ट नीचे देखोगे तो फॉर्म ऐसे व्यू, सॉरी सीट के जस्ट ओके नीचे ऑप्शन है व्यू, व्यू पे क्लिक करो, कौन कौन सा व्यू चाहिए सीट में, राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लो, बस प्रिंट मार दो कंट्रोल पे से खत्म, सर यही वाला थोड़ा व्यू पे डबल डबल जाओ, लाइन आ जा रहा व्यू पे है। जाओ, व्यू पे जाओ ओके और वहां पर सीट ऑप्शन से एक सीट सेलेक्ट करो पहले, ओके ठीक है, फिर देखो उसके बाद उसके जस्ट नीचे व्यू लिखा हुआ है, जो जो सीट चाहिए वो सीट इंपोर्ट कर लो, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पे दिखा दो क्या तुम कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा बता देंगे, ओके सर, थैंक ठीक यू। है ओके जी,
और किसी को क्वेश्चन है कि चला जाए, और क्या बोलते हैं मुलाकात शायद कल होगी अगर वक्त मिला तो, फिक्स नहीं है। और क्या बोलते हैं बिल्कुल आपका कुछ भी और पूछना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना यार कि अच्छा लगा मुझे, तारीफ सुन के थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ बट यस, आपको कैसा लगा मीटिंग? मजा आया। ओके मोहित, बहुत बढ़िया। तुम बलिया से हो तो तुम हमारे उत्तर प्रदेश से, सर तुम बिहार से क्यों बता रहे हो? बॉर्डर है ना वो नहीं तो। सर, मैंने बलिया ही बोला था, बलिया उत्तर प्रदेश ही बोला था सर मैंने। ओके, मुझे बिहार सुनाई दिया, बॉर्डर है वो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मार्च में भी इतना अटैक आ रहा है, क्या आ रहा है? फिर रिपीट करना मोहित। मार्च में भी कोई अपना बैच आ रहा मार्च है में? ओके ओके एसबीआईएन का? हाँ यार, होली के बाद बैच एक आध लॉन्च हो सकता है लास्ट मार्च में, और क्या बोलते हैं होने का चांस है, बट अभी नहीं है, डेट नहीं है कोई। तो ये क्या होता है ना हमारा, जैसे कि एक बैच कैसे, मैं मॉर्निंग और इवनिंग में ही बैच रखता हूँ ज़्यादातर, तो एक बैच अगर कोई फिनिश होगी तो उसके जगह पर दूसरी बैच आ जाएगी, तो चांसेस है कि मार्च के लास्ट में आएगी एक बैच, ठीक है। हाँ जी सर, मार्च वाले बैच थोड़ा, हाँ, मैं तो देखो कंफर्टेबल हो जाता है। मेरे तरफ से क्या होता है, मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि करो, ठीक, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, अपना टाइम शेड्यूल देखो फिर करो, है कि नहीं? तुम देखो अगर तुमको लगता है मैं मार्च में तो कंफर्टेबल हूँ तो काफी मार्च अच्छी में है करो। सर। हाँ तो मार्च में कंफर्टेबल हो तो मार्च में, और क्योंकि सर नहीं। अभी तो होली में, हाँ बोलो बोलो। होली की वजह से वही मैं भी घर जा रहा हूँ ना, मुझे भी होली पसंद है, तो इसलिए अभी तो कोई चांस ही हाँ सर, नहीं वो है, मैं भी घर जाऊंगा सर बलिया, तो ठीक है, तो इसलिए अभी कोई चांस नहीं है, नेक्स्ट मंथ के लास्ट में ही कुछ होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अपना ओके सर, प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे थैंक यू सर। मीटिंग अटेंड करने के बाद 10 फोन आपको नहीं आएंगे, ठीक है, आपका खुद का अपना मर्जी रहेगा, एंजॉय करो नहीं सर, आपको नहीं जनरली जो नहीं होता सर, है। बिल्कुल हाँ ये चीज तो, हाँ नहीं सर, ये चीज तो बिल्कुल जेन्युइन हो सर आप, ये तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आपको, तुम जब से 2-3 साल से देख तो रहे हो सर तुम ये पता ही चीज तो ना। है कि आप अकेले, हाँ इसलिए सर वो हमेशा टाइम का इशू हो जाता है, और इस बार सर मैं सोच रहा हूँ कि मार्च के बाद ज्वाइन करूँ सर आके होली के कोई बाद, दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे नहीं तो तब फिर कर तो सकते छठ हो, में या दिवाली में जल जाएगा। चलेगा, ठीक है। चलो सबको बाय बाय एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक थैंक यू यू सो सर, गुड मच। नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट। क्या बात है, अभिषेक प्रियदर्शी ने भी बोला उनको भी अच्छा लगा, थैंक यू, एंड हुसैन को भी थैंक यू भाई, एंड सबको थैंक यू। और हो सकता है ये वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो आप लोग अपना अपना राय देना कैसा लगा क्या हुआ, ठीक है। अमित दास को भी अच्छा लगा, थैंक यू अमित। चलो सबको बाय बाय, और कल अगर टाइम मिला तो आऊँगा, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुकुल के लिए ही, जस्ट फॉर डिस्कशन ओनली, अगर टाइम मिला तो जरूर आएंगे, ठीक है, चलो।